हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं की मराठी लेसन नंबर 11 जीवन गाने। ऑलरेडी अपलोडेड हैं सारे चैप्टर्स, बट कुछ वीडियोस ऐसे हैं, कुछ क्या अगर मैं बोलूं तो मोस्ट ऑफ वीडियोस ऐसे हैं कि जिसमें आपके बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि मिस वापस से वीडियोस बनाइए, क्योंकि मैंने थोड़ा कुछ जूम इन कम किया उसमें, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाया है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए अभी मुझे वापस से वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। इसके पहले का चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया मैंने कल ही, तो आप देख लीजिए। आपको बार बार कमेंट आप कर रहे थे तो मैंने ऑलरेडी उस पर बना दिया है, आप देख सकते हो वो भी। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा जूम इन करके आंसर दिखाती हूँ ताकि आप देख पाओ अच्छे से, ठीक है। अब टफ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, और यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। जैसे अब कुछ तो ऐसे, जैसे अब संस्कार, ये तो नॉर्मल हिंदी में भी हम बोलते हैं, ठीक है। जान यानी रियलाइजेशन, यानी कि पता चल जाना किसी की गलती का, या फिर रियलाइज़ होना। ये तुलसी होता है, तुड़स यानी तुलसी, एक आपको पता ही है बेसिल प्लांट, ठीक है। पंडती क्या होता है, स्मॉल अर्दन लैम्प होता है, लैम्प मिट्टी का बना हुआ लैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे दिए गए हैं, एग्ज़ाम में भी पूछता है आपको, और जब ये आपको अच्छे से आता है तो आपको लेसन अच्छे समझ आता है। मैं आपको यहाँ पे इसका इंग्लिश में जो मीनिंग दिया गया है पूरा पैराफ्रेज वो भी यहाँ पे शो करूँगी, ताकि जिन बच्चों को अच्छे से लेसन नहीं समझा है वो यहाँ से समझ ले। द स्वीट सॉन्ग ऑफ नेचर टॉट मी द आर्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे देखिए, इट टॉट मी, ये मुझे सिखाता है कि किस तरीके से हम हैप्पीली जिए, अप्रिशिएट करें लाइफ की ब्यूटी को। मून जो आसमान में चमकता है, स्काई में, आकाश में जो मतलब स्काई में जो ट्विंकलिंग करते रहते हैं यानी टिमटिमाते रहते हैं तारे हैं, वो हमें लेसन, वो हमें सीख देते हैं कि कैसे ब्रिलियंस बनना है, ठीक है, लाइफ में कैसे ब्रिलियंट होना है। Nobody in the aimlessly stranded world, इस दुनिया में कोई भी बिना उद्देश्य का नहीं है, सबका कुछ ना कुछ पर्पज़ है, कुछ ना कुछ उद्देश्य है, राइट। विच हैज़ लॉस्ट इट्स पर्पज रियलाइजेज द वैल्यू ऑफ मोरल्स ओनली द वीक लैम्प। अब यहाँ पर आप देखो दिया गया है पूरा, मैं इसे पूरा अगर एक्सप्लेन करूँगी तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगा, तो आप लेसन आपने समझा ही होगा अच्छे से। तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से नेचर से हम खुश रह सकते हैं, नेचर से कितनी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो बर्ड्स का एग्जांपल दिया गया है, कैसे अपने खाने को ढूंढती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया गया है कैसे चॉप करती रहती है और अपने बीक में, चोंच में अपने बच्चों के लिए लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा बता रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बहुत ही जूम इन करके एकदम डिटेल बताऊँगी, ताकि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो कविता है उसका भावार्थ मराठी में भी दिया गया है। ये जो निसर्ग है यानी प्रकृति है जो मधुर गाना गाती है, त्याने मला जगावे कसे हे शिकवले, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए दिया गया पूरा आंसर, अब यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, और ये पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर ये रहा, ये वाला, और बुलंद हौसले और चोची मतले दाने, इसका आंसर नीचे। पहले ये अच्छे से क्लियर देख लीजिए, एक एक आंसर में आपको अभी बिल्कुल, एक्चुअली पिक्स सारे क्लियर हैं, बट क्योंकि मैंने थोड़ा दूर करके दिखाया है, जूम इन अच्छे से नहीं किया था, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। और वीडियो आप हमेशा 480 पे देखा कीजिए, ऐसे पेजेस के वीडियोस तो हमेशा आपको 480 360 पे ही क्लियर दिखेगा। एक चीज़ और ध्यान देने लगी है, आप ध्यान देना, ठीक है। बुलंद हाउस ने यहाँ पे देखो अच्छे से एकदम क्लियर है आंसर। वीडियो पॉज करके अपना वर्कबुक कंप्लीट कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। बार बार मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, इसके बाद के भी जो चैप्टर्स हैं वो भी मैं बना दूंगी, डोंट वरी। अगर मैं लेट करती हूँ तो आप मुझे बता देना, मैं ज़रूर बना दिया बन। यहाँ पे देखो दिया गया है, कवितेच्या आधारे पुढ़ील तख्त पूर्ण करा। तो यहाँ पे देखो ये पूरा दिया गया है, ये जो यहाँ पे ब्लैंक्स है वो आपको कंप्लीट करना है क्लियर इसको। और यहाँ पे देखो ये भी दिया गया है, इसका भी आपको आंसर यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमने ऊपर वाला देखा, इसका आंसर यहाँ पे देखो क्लियर दिख रहा है, तो आंसर यहाँ पे है सबका। अब सेकेंड वाला जो है ये वाला, इसका देखो यहाँ पे है, दो यहाँ पे बचा हुआ है, पक्षी का और सागर वृक्ष का, पहला वाले में से ये, इसमें से ये जो क्वेश्चन है पक्षी और सागर, ये इसका यहाँ पे है, और ये है दूसरा वाला नीचे वाला, ठीक है।
देख लो आंसर यहाँ पे क्लियर है। मैं ब्राइटनेस और बढ़ा देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। चलिए अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको 2 मार्क्स के लिए आई थिंक है ये, ठीक है। आंसर देख सकते हो ये, जो लास्ट में यहाँ पे है देखो, इसके जो वर्ड्स हैं ये जो लेटर्स छुप जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा दिया। अब देख सकते हो पूरा आंसर दिख रहा है अच्छे से। यहाँ पे देखो दूसरा साठी घास घोस सोने सोसने या उड़ी तिल तुम्हारा कर लेला अर्थ स्पष्ट कर रहा है। यहाँ पे देखो दिया गया निसर्ग के विविध अलग अलग प्रकार के घटक हैं जो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। जीवन गाने ये जो कविता इन्होंने बताया इसमें इसमें यही हम देख रहे हैं कि कविता के थ्रू हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। हर एक जो निसर्ग के जितने भी घटक हैं, जैसे वो पेड़ हैं, पौधे हैं, तारे हैं, पक्षी हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, राइट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी यहाँ पे देखो रसग्रहण यानी आशय सौंदर्य आपको हिंदी में भी रहता है, अप्रिसिएशन इंग्लिश में भी रहता है भैया यहाँ पे भी, ओके। यहाँ पे जो इसका रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। भाषिक वैशिष्ट्य बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो विशेषण विशेष जोड़ने अलावा, तो यहाँ पे देखो दिया गया है इसमें मैच करना है, जैसे मंजूर का गाने, तो इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे देख सकते हो आंसर दिया हुआ है, नीचे पूरा आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पे दिया गया है सामान्य रूपे ओढ़खा, तो यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। समानार्थी शब्द तो यहाँ पे देखो दिया गया है, ये रहा समानार्थी शब्द यानी सेम मीनिंग, ये तो आपको हिंदी में भी रहता है, तो ये तो सिंपल है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या क्वेश्चन आंसर चाहिए कि पूरा मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप ज़रूर बताइए, मैं बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो में अगर कोई ऐड आए तो स्किप मत कीजिए, इससे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपका ही चैनल है, आपके लिए ही सारे वीडियोज़ बनते हैं यहाँ पे। अभी आप 9th में 10th में 11th 12th में जाओगे, तो जो भी आपके प्रॉब्लम रहेंगे वो सब आपको जस्ट कमेंट करना है, और जस्ट कमेंट के बाद आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो चैनल बनाया ही है आपके प्रॉब्लम के सॉल्व के लिए, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको जो भी प्रॉब्लम रहती है उनको यहाँ पे जस्ट कमेंट ही करना रहता है और उनको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप भी मेरे स्टूडेंट्स ही हो सारे के सारे, ओके। तो यहाँ पे ये भी ख़त्म होता है, ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश हो गया, जितने बहुत कम था, बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, तो क्वेश्चन आंसर भी कमी है इसमें, है ना, क्योंकि कविता है तो कमी है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका भी मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आपको आपके कमेंट्स आएंगे, अगर जो वीडियो पहले बने हुए हैं उसमें आपको नहीं क्लियर दिखता तो मैं वापस से बना दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं फोटो क्लिक करके बना दूंगी, ठीक है, ओके।